वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ में सोना चांदी गायब होने के मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री से भी केदारनाथ की अवमानना पर माफी मांगने की मांग की। शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोने के परत मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पात्र में भाग लेने के बाद वापस लौटे धीरेन्द्र प्रताप ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने जैसे जैसे करण महारा और कांग्रेस के सब साथी पवित्र केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी भी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पात्र के समापन पर आ सकते हैं। 1000 किलोग्राम करीब उसमें कॉपर की प्लेटें लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से और खास करके कांग्रेस के जो मित्र हैं हमारे, वो एक दुष्प्रचार के जो उनका अभियान है उसके तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केदारनाथ में 230 किलोग्राम सोना लगाया गया। इसीलिए हमने ये स्पष्ट रूप से आज कह रहे हैं कि जो ज्वेलर्स ने, जो दानी महानुभाव थे हमारे, उन्होंने अपने ज्वेलर्स का जो हमको टैक्स इन्वॉइस दिए हैं वो हमने जारी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ज्वेलर्स को जो सोना है वो सोना खुद दानी दाता ने ज्वेलर्स को दिया है और ज्वेलर्स ने केवल उसमें अपना जो वहां पर स्वर्ण मंडित करने का जो कार्य था वो संपादित किया है। तो उन्होंने उसमें डिटेल्स में दिया है कि कितना उसमें किलोग्राम कितना सोना उन्होंने दानी दाता से प्राप्त किया और उसके पश्चात कितना उन्होंने वहां पर उपयोग किया और कितना उनके पास शेष रहा है, इसके अलावा कितना कॉपर वहां पर यूज हुआ है, वो सारी डिटेल्स उन्होंने दी है टैक्स इनवॉइस में। और इसलिए हम उस टैक्स इनवॉइस को भी आज जारी कर रहे हैं ताकि जो लोग, जिन लोगों की आंखें बिल्कुल बंद हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं और बाबा केदार के धाम को भी उसकी